sallallahu alaihi wasallam bi wala yatika ya ali ya ali ya ali afak min jazbillah na deri ummat le jata jidu ana ka fil wadi kullam min si anjali bi azmatika ya allah ya allah ya allah bil quwwatika ya muhammad ya muhammad ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wala yatika ya ali ya ali na deri ummat le jata jidu ana ka fil wadi kullam min si anjali bi azmatika ya allah ya allah ya allah bil quwwatika ya muhammad ya muhammad ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wala yatika ya ali ya ali ya ali ko taqal de samajh de taqal de sunao इसे पकड़े बैठ जाओ क्या नाम है आपका आ गया क्या नाम है आपका बोला नाम क्या है क्या नाम है क्या नाम है बोला नाम क्या है कितनी ताकत है तेरे पास एक बंदा बोले लेकिन आपको ताकत है बाकी ताकत आ रही है मुठिया बंद करो ताकत से मुठिया बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो क्या नाम है आपका प्यार से बात करनी है या बदमाशी करनी है बोलो प्यार से बात करनी है बदमाशी करनी है ना दे ली उम्मत ले जाता जी दो अल्लाह का फिन वाबी को ला मैं कमेंट किया दिल दिया नदी का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिन बोध के या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वाला याति का या अली या अली या अली अदर के फिर जिला बोलो मार खानी है जिनाह से या फिर बुजुर्गों से मार खानी है या प्यार से बात करनी है बताओ प्यार से करनी है फिर कदम ऊपर करो अस्सलाम वालेकुम मुसलमान हो दो क्या नाम है सच सच बताना मैं आपको आजाद भी करवा दूंगा और आप पे कोई जुल्म भी नहीं होगा बताओ क्या नाम है आपका बताओ बताओ क्या नाम है आपका चीमा तुम्हारी उम्र कितनी है 375 कहां के रहने वाले हो आप कहां के रहने वाले हो कोई कुछ नहीं कहता बोलो ना हम तुम्हें कैद करेंगे ना कुछ ये बताओ कहां के रहने वाले हो बोलो पाकिस्तान का कैसे आए हो इस पे कैसे आए हो बोलो इस पे कैसे आए हो मुठिया बंद करो ताकि से बताओ कैसे आए हो कैसे आए हो कैसे आए इस पे बताओ चीनो बताओ कैसे आए हो इस पे बोले ना कैसे आए हो पीछे जादू है या नहीं ये तो बताओ जादू है कितना जादू है तवीज है कितना है बहुत है मैं ड्यूटी लगा दूं नजर खुली है बंद है तुम्हारी नजर खुली है बंद है बंद है जी भाई ये बताओ करने वाला कौन है जादू बताओ ना बताओ जादू करने वाला कौन है बताओ जादू करने वाला कौन है बोलो उसके अपने हैं अपने कान बताओ ना ना बताओ ना बताओ नहीं बताता अच्छा चीमा आप कितने लोग इस पे तीन क्या क्या नाम है उनका दूसरों का मैं अकेला ही हूँ तुम अकेले हो किसको मानते हो पीछे तीन है मानते किसको किसके मानने वाले हो किसके मानने वाले बोलो जय माता जय काली माता को काली माता की पूजा करते हो काली माता देखने में कैसी है लंबी जुबान वाली है जुबान निकाल के बताओ मैं दिखाओ सीमा काली माता के पास जाके क्या पढ़ते हो आप कैसे इबादत करते हो हमें बताओ हमें हिंदू मजहब के बारे में नहीं पता बताओ कैसे इबादत करते हो कैसे इबादत करते हो क्या पढ़ते हो बोल के बताओ जैसे हम मुसलमान हैं अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते हैं कुरान मजीद पढ़ते हैं आप क्या पढ़ते हैं बताओ क्या अपने मजहब के बारे में नहीं बताओगे बताओ क्या पढ़ते हो पढ़ के सुनाओ बोलो
जय माता दी। और आगे कुछ पढ़ते हो? और कुछ पढ़ते हो? जय माता जी पढ़ते हैं। अच्छा बात सुनो, क्या करते हो? और अच्छा खाने में क्या पसंद करते हो? खाने में क्या पसंद करते हो? खाने में क्या पसंद करते हो बोलो? खाने में गंदगी। और मैंने सुना है कि मीठा मीठा और गोश्त भी खाते हैं और खून भी पीते हैं और बस बस। और क्या नुकसान किया इसका? इसके तो बहुत नुकसान किए। और इसके बहुत नुकसान किए इन्हें 10 सालों में। और बहुत नुकसान किए इसके कारोबार बंद किए और इसके जानी नुकसान। अच्छा है। मैं इसके पीछे चलते वीडियो में निकालता हूँ जितने तबीज वीडियो निकाले। देखो तबीज निकल रहे हैं, उस हो रहे हैं, सीमा ताकत से आओ। तबीज निकल रहे हैं, महसूस हो रहा है? तबीज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? क्या महसूस हो रहा है बोलो ना। नहीं नजर आ रहे। कहो मेरे साथ कॉल करा करो। अच्छा बात सुनो जी, अभी तक सबसे बड़ा नुकसान क्या किया इसका? इसका कारोबार बंद रखा है 10 साल से। ताकत से आओ। बहुत नुकसान किया इसका। मैं अपने बुजुर्गों को बुलाता हूँ, तुम ताकत से। बीवी के साथ लड़ाई कराई है, हर टाइम लड़ता रहता है, घर वालों को तंग नहीं करता, बाकी सबके साथ ठीक है। बाबा जी इसे चिपड़े मारे ना जरा, इसे चिपड़े मारे तो किले नहीं मारे। जिंदगी में याद है किसी का नुकसान ना करे। नहीं 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 मारे नहीं छोड़ो। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? थे करोगे नहीं करोगे? छोड़ दूंगा। चलो छोड़ो बस, छोड़े फैन ना मारे बस, ना मारे ना आपको। वैसे कलमा पढ़ो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो कलमा। बिस्मिल्लाह मुसलमान होना नहीं होना सीमा, मुसलमान होना नहीं होना। चल पढ़ कलमा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आपका नाम हैदर। आपका नाम हैदर है? आपका नाम हैदर है? आपका नाम हैदर है? मेरा नाम हैदर है। और मैं आस्ताने की खिदमत करूंगा। मैं आस्ताने की खिदमत करूंगा। किसी को नुकसान नहीं दूंगा। किसी को नुकसान नहीं दूंगा। और कभी भी इसके जिस्म में नहीं जाऊंगा। कभी भी इसके जिस्म में नहीं जाऊंगा, ये आपसे वादा है। वादा रहे? वादा है। अगर आ गया तो फिर आप मुझे जला देना। वादा है। सोच ले। सोच लिए। बुजुर्गों से कितनी मार पड़ी है? बहुत मार पड़ी है। इस कमरे में कितनी जिनाजा देख नजर लगा। बने हुए। आपने कहा रहना है? मैंने आस्ताने की खिदमत करनी है। क्या खिदमत करनी है? क्या ड्यूटी लगाऊं? कोई बद नजर ना इधर आए। अगर आएगा तो क्या करोगे? आएगा तो उसका बुरा असर करूंगा। क्या नुकसान दे? सबसे बड़ा नुकसान क्या करोगे उसे? जल्दी बता। उसको इधर ही नुकसान करूंगा, सब देख लेंगे जो बद नजर होगा। आपने कॉल इकरार किया है और फिर जिसम में हाथ फेरो जो नुकसान दिया है, पूरे जिसम हाथ फेरो। महसूस हो रहे? तभी निकल गए या नहीं निकले? निकल गए। निकल गए। मुबारक हो। इधर ऑपरेशन भी इसका कराया है, गिरजी बनाई थी, सब कुछ निकाल। नदी का मसला था। निकाल 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 ताकि 100% ये ठीक हो के जाए। कारोबार चलेगा इसका? ये बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। सब रुकावटें खत्म होंगी। अब मेरी ड्यूटी तो निकाल दी। तुम्हारी ड्यूटी है आस्ताने पे
जो यहाँ से किसी की कोई चीज उठाएगा, मोबाइल या पैसे या जूते, तूने उसके पीछे चले जाना, ठीक है? इंशाल्लाह। जब तक तुझे हम ना उसे निकालें, तुमने निकलना नहीं है इंशाल्लाह। तो तुमने यहाँ पे देखना, जो अस्थाने के खिलाफ बात करेगा, ठीक है, जो लोगों को बरगलाएगा, प्रोपोगंडा करेगा, उसको इधर इबरत का निशान बनाऊंगा, उसका पूरे खानदान भी तुम्हें चले जाना है, ठीक है इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो लोग आएंगे दूर से, तूने उनकी हिफाजत करनी है इंशाल्लाह, यहाँ पे खिदमत करनी है उनकी, ठीक है, उनकी घर भी मदद करनी है, ठीक। जितनी ताकत है जिसमें, मैं खुशी से तुम्हें आजाद भी किया और झटका मार के निकलना, फुल ताकत से भैया, फुल ताकत से जिसमें आओ, ताकत से जिसमें आओ। आप कहाँ से आए और किस सिलसिले में आए? मैं इस्लामाबाद जापान रोड लाहौर यूनिवर्सिटी के करीब मेरा गाँव अकबर से आया। अस्थाने के बारे में आपको किसने बताया? अस्थाना में ये यूट्यूब पे देखा था कि रजमत नवाज सरकार के बारे में, असलम साहबजादा अरसलान साहब के बारे में, आपने आपकी साहबजादा अरसलान साहब ने आपका इलाज किया, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले जब मैं आया तो पहले चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रहा था जैसे मैं जकड़ा हुआ हूँ किसी चीज़ में ना, तो पीर अजमत नवाज सरकार ने मेरा इलाज किया है। उसके बाद अभी पीर अरसलान सरकार ने मेरा अभी आखिरी इलाज किया छवें दम में मैं अपने आप को आज भी ऐसे ही महसूस कर रहा था जैसे मैं पूरा जकड़ा हुआ हूँ। और इधर अंदर बैठने जब मैं बैठा हुआ था तो यही मेरा हालात थे कि जैसे मैं, मेरा दिमाग भी काबू हुआ है और मेरा दिल भी, मेरा जिस्म काम पर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब ये अमल हुआ है, ये मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं बैठा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे जैसे एक नॉर्मल था आज से 10 साल पहले था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर। आप बदन हिला के देखें, बदन सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, पूरा बदन ठीक है। अस्थाने में किसी ने भी ठीक है? अस्थाने में आपसे किसी ने कोई फीस, कोई कुछ पाई पैसा नहीं लिया है? फीस अस्थाने के बारे में आपका क्या कहना है? अस्थाने के बारे में मैं लोगों को यही कहूंगा कि इधर आए, जिन्नात का, तावीज का और हर किस्म का इलाज, बीमारियों का इलाज, जो वो बीमारियां जो डॉक्टरों ने इलाज किए उनका भी इलाज इधर इस अस्थाने में होता है। और ये यहाँ पे फीस बिल्ला इलाज होता है। ये सब जो भी लोग ऐसी वैसी बातें, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, वो सब झूठ है। इससे पहले कहाँ आप पहले? इससे पहले मैं 14 चक्कर मैंने इधर कोटली सतिया में लगाए हैं, कलर सैदा में भी बैठते थे सरकार, उधर भी लगाए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिंध वाले पीर साहब से मैंने इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं हरिपुर भी जाता रहा हूँ, नाटोपा उधर भी जाता रहा हूँ, लेकिन इलाज का फर्क नहीं पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बेहतर महसूस कर। उन्होंने आपसे पैसे की डिमांड की थी? जी उधर तो हमने दिए थे। कहाँ से आपने कितने कितने पैसे दिए, किस किस जगह पे दिए? मुख्तलिफ जितनी तौफीक होती थी देते थे, लेकिन देने के बगैर हम आते नहीं थे। लेकिन इधर कुछ भी नहीं दिया है, ना इन्होंने कुछ मांगा है ना इन्हें दिया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फीस बिल्ला इलाज होता है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। 100 में से कितने बेहतर अभी आप? मैं 100 में से 100 से भी ज्यादा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 101% लोग कहते हैं ना, मैं 110% ठीक हूँ। पीर अजमत नवाज सरकार ने फिर साहबजादा को अपने जिम्मेदारी सौंपी है, तो आप साहबजादा के बारे में क्या कहते हैं? वही चीज है सेम, मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सेम जैसे पीर साहब खुद पीर नवाज अजमत सरकार इलाज करते थे, सेम ये पीर अरसलान साहब उसी तरह इलाज कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। लोग आए यहाँ पे और अपना इलाज करवाए। चलिए ठीक है, अल्लाह आपको सेहत दे दे। अल्लाह हाफिज़। फोन नंबर आप अपना दे दे। मेरा 0349539685। अहमद मेरा नाम है। 0345539685। 0349539685। राजा रिजवान कियानी नाम है मेरा। जापान रोड इस्लामाबाद लाहौर यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ। अल्लाह आपको कोई भी बंदा मेरे से रब्ता कर सकते हैं।